जगह पड़ी है। बोले कि आप तीनों ही थाने चलो, अब पूछताछ करके दो मिनट में आपको फ्री कर रहे हैं। जब ये पुलिस थाने ले गए तो मेरे भाइयों ने इनको पूछा तक भी नहीं कि आपका कौन सा गांव है, आपका क्या नाम है, आप कहां जा रहे थे। जाते ही पिटाई शुरू कर दी, किसी पशु के साथ भी ऐसी नहीं करते। जाते ही पिटाई शुरू कर दी। जब मेरे को सूचना मिली, उस दिन मैं चौटन में था, जब मैं उसी वक्त मैं अकेला चौटन थाने पहुंचा, जब वहां का एक छोटा सा सिपाही सेंट्री, उसने बोला कि विक्रम सिंह तू यहां से चला जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। चौटन थाने में पुलिस प्रशासन ने हमारे नौजवानों के साथ में कुछ बिना वजह मारपीट की थी। उसको लेकर करणी सेना और सतीश कौम के युवा नौजवान हज़ारों की तादाद में यहाँ आए थे। उन लोगों में आक्रोश था कि बिना वजह और जिस तरह से उनको पीटा है उसके खिलाफ हम प्रशासन के खिलाफ आए थे। उस संबंधित हमारी प्रशासन से बात हुई है, जो भी हमारी बातें थी उन बातों को मान लिया गया। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है यदि हमारी बात पर ये प्रशासन खरा नहीं उतरता है तो आगामी जो कदम होगा वो बड़ा होगा, बड़ा प्रदर्शन होगा, उग्र प्रदर्शन होगा, नौजवान सड़कों पर उतर। मारपीट किसने की? पुलिस प्रशासन ने मारपीट की हमारे चौटन थाने वाले। तो सुनने में ये आ रहा है करणी सेना के जिलाध्यक्ष को धमकी दी गई? हाँ, ये जरूर है कि जब वो उनको पीटने लगे, करणी सेना के जिलाध्यक्ष हमारे विक्रम सिंह वहाँ आए थे, उनके साथ ही पुलिस ने जो बर्ताव किया वो भी ठीक नहीं है। उसको लेकर भी युवा में आक्रोश था, वो सब हमने कहा है, प्रशासन ने कहा जो भी गलती है उसको हम स्वीकारते हैं, जो हमारी मांग थी उसको मांग को हमने मान लिया। आपकी प्रमुख मांग क्या है? हमारी मांग ये थी कि इस तरह से यदि पुलिस प्रशासन इस तरह से यदि व्यवहार करता है तो निश्चित तौर पर ये अधिकारी वहाँ रहने के लायक नहीं है, उन अधिकारों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, अधिकारी को उनका स्थानांतरण किया जाए। ऐसे लोग आपकी शिकायत किसके खिलाफ, थाना अधिकारी के खिलाफ या कांस्टेबल के खिलाफ? कांस्टेबल के खिलाफ थी हमारी।